बहुत से लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रल के साथ हमारा आरसीसीबी या आरसीबीओ ट्रिप नहीं कर रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे आरसीसीबी और आरसीबीओ में क्या अंतर होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और प्रैक्टिकल हम चेक करके भी दिखाने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कम्प्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के लिए हमारा आरसीसीबी और आरसीबीओ है। जैसे ये हमारा टू पोल का है, ये भी हमारा टू पोल का है, जो नॉर्मली जनरली हमारा सिंगल फेज लाइन में इस्तेमाल होता है, एक फेज एक न्यूट्रल के लिए। उसी तरह से यहाँ पे थ्री फेज के लिए ये हमारा फोर पोल का है, जिसमें तीन फेज और एक न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा आरसीसीबी और ईएलसीबी है। ध्यान रहे, आरसीसीबी ईएलसीबी अलग अलग डिवाइस लिखा हुआ मिल सकता है, पर दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है। इलेक्ट्रिक लीकेज या सिंपल कहें अर्थ लीकेज पे ये काम करता है, ट्रिप करता है, प्रोटेक्शन देता है, पर ये शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करता है, ओवरलोड पे काम नहीं करता है, इसलिए आपका आरसीबीओ लगाया जाता है। जैसे ये हमारा आरसीबीओ है और ये भी हमारा आरसीबीओ है। तो आरसीबीओ क्या होता है, एमसीबी प्लस आरसीसीबी दोनों इंक्लूड होता है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप करेगा, ओवरलोड पे भी ट्रिप करेगा, इलेक्ट्रिक या अर्थ लीकेज होता है तो भी ट्रिप करेगा। तो प्राइस में भी इससे हमारा इनका प्राइस ज़्यादा होता है, चाहे टू पोल लेंगे या थ्री फेज में जाएंगे। तो थ्री फेज में अगर आरसीसीबी ले रहे हैं और यहीं पे आरसीबीओ लगाएंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ये तो सिंपल सी है कि ये आपका सिर्फ लीकेज पे काम करेगा और ये आपका शॉर्ट सर्किट ओवरलोड सब पे काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इसे टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल फेज का लाइन हमारे पास उपलब्ध है, तो सिंगल फेज हम आपको टेस्ट करके दिखलाएंगे। अगर आपके पास थ्री फेज का लाइन है तो थ्री फेज भी आप टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, अगर आप इलेक्ट्रिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, सेफ्टी का ध्यान आप नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिकल आप अपने से या आप अपने घर या कहीं पे भी टेस्ट नहीं करें, क्योंकि दुर्घटना भी हो सकती है। तो चलिए टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हमें लाइन देना है, ऊपर से इनपुट और नीचे से आउटपुट हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम वायर लिए हैं, इसमें अभी लाइन हम नहीं दिए हैं। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं और उसके बाद इसमें पावर देते हैं और हम आपको चेक करके दिखाते हैं। आउटपुट में कुछ वायर का टुकड़ा लेंगे और इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जैसे कि फाइनली इसके अंदर हमारा पावर सप्लाई लाइन आ चुका है, अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये पीवीसी हमारा, तो नीचे एक ये लगा रहे हैं, कहीं शॉर्ट लगे तो जले तो सिर्फ ये जले, हमारा नीचे डैमेज नहीं हो। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसे ऑन करते हैं और ये जो टेस्ट है ना, रेगुलर मंथली एक महीने में एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए। इस बटन को दबाएंगे, देखिए ये ट्रिप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसे हम चेक कर सकते हैं इसके टेस्ट बटन से, ये ट्रिप कर रहा है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। उसके बाद इसे ऑन करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लीकेज, ये हमारा अर्थ का वायर है, कोई न्यूट्रल फेज से ये कनेक्ट नहीं होता है, सेफ्टी के लिए अलग वायरिंग होता है। इससे हम इस फेज में टच करते हैं तो ये ट्रिप करेगा, ट्रिप किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल में टच करें तो भी ट्रिप करेगा, ठीक है। अब फेज के साथ बड़ा शॉर्ट लग रहा है, अब तो नहीं लग रहा है, फर्स्ट टाइम बड़ा शॉर्ट हुआ, ये देखिए दूसरे टाइम भी बड़ा। क्यों हुआ, क्योंकि फेज में पावर ज्यादा होता है और न्यूट्रल में पावर कम रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, अभी पहले क्लियर कर देते हैं इसके साथ, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। आरसीसीबी को ऑन किए और यहाँ पे हमारा अर्थ लीकेज से टेस्ट करने के लिए न्यूट्रल में टच करते हैं, ट्रिप कर गया। फेज में टच करेंगे थोड़ा बड़ा शॉर्ट होगा, पर ट्रिप कर गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रल के साथ हमारा आरसीसीबी या आरसीबीओ ट्रिप नहीं कर रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, ये 100 मिली एम्पियर का है, ये 30 मिली एम्पियर का है। जब न्यूट्रल के साथ और अर्थ के साथ जो वोल्टेज बन रहा है, जो करंट बन रहा है, करंट यानी एम्पियर, वो आपका 100 मिली एम्पियर क्रॉस होगा तब ये ट्रिप करेगा। घर के लिए बेटर रहता है 30 मिली एम्पियर का आप आरसीसीबी लगाएं या ईएलसीबी या आरसीबीओ, ये 30 मिली एम्पियर क्रॉस होगा तो ही ट्रिप करेगा। तो ये भी प्रॉब्लम आता है, लोग प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं और वहां पे परेशान हो जाते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा है, खराब है। एम्पियर भी पार होना चाहिए, 100 मिली एम्पियर तो 100 मिली एम्पियर ये जाना चाहिए, 80 मिली एम्पियर में भी ट्रिप कर जाता है, जैसे 30 है तो 25 पे भी कभी कभी ट्रिप कर जाता है।
तो ये अब यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ये वायर हम लंबा इसीलिए लिए थे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे टच करेंगे तो ये ट्रिप करेगा, क्योंकि ये हमारा RCBO है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिप कर गया। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं एक बार और, ट्रिप कर गया। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा शॉर्ट लगा, लेकिन छोटा भी लग रहा है, बड़ा भी लग रहा है, लेकिन ट्रिप कर रहा है। लेकिन यही चीज़ इसके साथ चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, ये ट्रिप नहीं करेगा। पर चेक करके दिखाने के लिए ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर से कुछ वायर को कट करेंगे, पतला करेंगे, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा तुरंत और फिर दिक्कत होगा। ये ऑफ है तब इसको टच कर रहा है, ऐसे नहीं। आप कोशिश कीजिए कि प्लायर से ही टच करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसे शॉर्ट लगाएंगे, ये मेल्ट हो जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं करेगा फिर भी। चलिए ऑन करते हैं, लेकिन इस तरह की टेस्टिंग आप खुद नहीं करें अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ट्रिप नहीं हुआ, वायर जल गया, ट्रिप नहीं हुआ। तो इस तरह से काम करता है RCBO। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, इलेक्ट्रिक लीकेज होने पे ये प्रोटेक्शन देता है, पावर को बंद कर देता है। पर अगर बात करें RCCB की, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक लीकेज पे ये काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर तरह से समझ में आ गया होगा इस दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आप और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।